पंचायत एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री टीएस सिंहदेव ने रायगढ़ कलेक्ट्रेट के सीजन सभा कक्ष में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल समेत जिले के सभी विधायक मौजूद थे। पंचायत एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री टीएस सिंहदेव ने कलेक्ट्रेट के सृजन सभा कक्ष में स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उच्च शिक्षा मंत्री श्री उमेश पटेल, रायगढ़ विधायक श्री प्रकाश नायक, धर्मजयगढ़ विधायक श्री लालजीत सिंह राठिया, सारंगढ़ विधायक श्रीमती उत्तरी गणपत जांगड़े, सचिव स्वास्थ्य विभाग श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, कलेक्टर श्री यशवंत कुमार व संचालक स्वास्थ्य श्री नीरज बंसोड़ भी उपस्थित थे। पंचायत एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री सिंहदेव ने कहा कि बीमारियों के इलाज के लिए शासकीय योजनाओं के तहत क्लेम बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर जन सामान्य को अपनी ज्यादा से ज्यादा सेवाएं दें और शासकीय योजनाओं के तहत उन्हें हर संभव लाभान्वित करें, जन सामान्य को इसके लिए विशेष रूप से प्रेरित करें। उन्होंने कहा कि नागरिक राशन कार्ड का उपयोग करते हुए डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना एवं मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना से गंभीर एवं जटिल बीमारियों का भी इलाज करवा सकते हैं। उन्होंने CHMO से हॉस्पिटल धर्मजयगढ़, सिविल हॉस्पिटल खरसिया, CHC घरघोड़ा, बरमकेला, लैलुंगा, पुसौर, सारंगढ़, तमनार, लोइंग, चपेल मेडिकल कॉलेज एवं जिला चिकित्सालय PHC छाल, सरिया एवं टेंडा नावापारा में शासन की योजनाओं के तहत क्लेम के राशि की जानकारी ली। जेनरिक दवाइयों के उपलब्धता के संबंध में भी जानकारी ली। सचिव स्वास्थ्य विभाग श्रीमती निहारिका बारिक सिंह ने कहा कि स्थानीय स्तर पर दवाइयों की खरीदी नियमानुसार करें, नहीं करने पर वित्तीय अनियमितता मानी जाएगी। उन्होंने कापू एवं खरसिया के BMO से जानकारी ली कि स्थानीय स्तर पर दवाइयों की जो खरीदी की गई, उनकी एंट्री पोर्टल में क्यों नहीं की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर केसरी ने जिले में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं एवं सेवाओं की जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने स्वीकृत कार्य एवं रिक्त पदों के साथ ही स्वास्थ्य अधोसंरचना की भी जानकारी दी। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री राजेंद्र कुमार कटारा, जिला पंचायत CO सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी, सहायक कलेक्टर श्री संबित मिश्रा, नगर निगम आयुक्त श्री राजेंद्र प्रसाद गुप्ता सहित समस्त BMO सहित विभिन्न अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे। छोटा रहा, दुर्भाग्य से मौसम के कारण देर से आना हुआ और मकसद विभागीय बैठकों की समीक्षा थी के माध्यम से समीक्षा थी। स्वास्थ्य का भी, मेडिकल कॉलेज का भी, पंचायती राज की भी जुड़ी हुई संस्थाएं, तो जितना मैं चाहता था उतनी समीक्षा में समय अभाव में नहीं कर पाया हूँ। फिर भी जो परिस्थितियाँ सामने आई हैं यहाँ पर पंचायत विभाग में भी, मितानिन यहाँ पर हमारी बहनें यहाँ खड़ी हैं, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट का एक रूप में जो काम कर रही हैं, इनको भी वो जवाबदारी दी गई है। पंचायतों के पेंशन हर पंचायत में इनके माध्यम से हफ्ते में एक दिन उपलब्ध हो सके। हाट बाजारों में बाजारों की भी व्यवस्था, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी की भी इकाइयों का नए साल के लिए अलग लक्ष्य लिया गया है और ये सफलतापूर्वक चल सकें उसमें विशेष ध्यान देके नालों के भी ट्रीटमेंट के लिए 90 नाले जिले में लिए गए हैं प्रथम दौर में और उन पे भी अब काम चालू होगा। ये चुनाव के चलते, आचार संहिता के चलते वो रुके हुए थे। मेडिकल कॉलेज के लिए भी हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि जो डिपार्टमेंट शिफ्ट हो सकते हैं वो शिफ्ट होना चालू हो जाए। डॉक्टर्स वहीं पढ़ा रहे हैं, बच्चे वहीं पढ़ रहे हैं, फिर डॉक्टर्स वहाँ से पढ़ा के फिर यहाँ पर आते हैं, तो कम से कम उतने डिपार्टमेंट जिनके लिए अभी अधोसंरचना उपलब्ध है मेडिकल कॉलेज में, वो डिपार्टमेंट शिफ्ट हों और क्रमशः फिर जैसे जैसे निर्माण पूरा हो जाएगा। PWD विभाग और स्वास्थ्य विभाग से चर्चा के दरमियान ये बात सामने आई कि जो आवश्यकताओं की ज़रूरत थी और उसकी पूर्ति के लिए निर्माण के लिए समय लगेगा, तो फिर से पहले एक काम, फिर दूसरा काम, फिर तीसरा काम, कहीं ना कहीं हम लोगों के प्लानिंग में कमी रही जिस कारण से ये विलंब हुआ। अब उनका कहना है कि मेरे ख्याल से 6 महीने के आसपास, उन्होंने तो 5.5 महीने का समय दिया है कि 5.5 महीने के अंदर ये काम पूरा हो जाएगा, तो मैं तो चाह रहा था कि जल्दी हो, इसीलिए क्रमशः शिफ्टिंग का सिलसिला चालू हो जाएगा। शेष संपूर्ण काम के लिए टेंडर लगना और बाकी काम करना, ये लग सकता है उतना समय। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट।